आज हम डिस्कस करेंगे अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बारे में। अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में बेसिक क्या डिफरेंस है। तो यह है अप मिलिंग का फिगर और यह है डाउन मिलिंग का फिगर। तो अप मिलिंग में क्या होता है, अप मिलिंग में द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द कटर एंड द डायरेक्शन ऑफ द फीट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन डाउन मिलिंग में क्या होता है, डाउन मिलिंग में द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द कटर एंड द डायरेक्शन ऑफ द फीड ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है। अप मिलिंग में क्या होता है, जब चिप कटती है तो वो चिप पहले तो थीन होता है लेकिन बाद में जाके वो थिक हो जाता है। लेकिन डाउन मिलिंग में जो चिप कटती है वो पहले तो थिक होता है लेकिन बाद में जाके थीन हो जाता है। डाउन मिलिंग में, अप मिलिंग में क्या होता है, अप मिलिंग में जो कटिंग फोर्स होता है उसके लिए वर्कपीस में एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट होता है। इसके लिए ये वर्कपीस का टेंडेंसी होता है अपवर्ड में लिफ्ट होने का एक टेंडेंसी होता है। इसलिए एक क्लैंप और होल्डिंग डिवाइस इज मस्ट रिक्वायर्ड इन अप मिलिंग। लेकिन डाउन मिलिंग में क्या होता है, ये जो कटिंग फोर्स है वो डाउनवर्ड में होता है, इसलिए ए होल्डिंग डिवाइस और क्लैंप इज नॉट रिक्वायर्ड। ये था अप मिलिंग और डाउन मिलिंग का बेसिक डिफरेंस। ये डिफरेंस हम चार्ट फॉर्म में देख लेंगे। अप मिलिंग को हम कन्वेंशनल मिलिंग कह सकते हैं और डाउन मिलिंग को हम क्लाइंब मिलिंग कह सकते हैं। तो अप मिलिंग में क्या होता है, अप मिलिंग में डायरेक्शन ऑफ द फीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द कटर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन डाउन मिलिंग में क्या होता है, रोटेशन ऑफ द कटर एंड द रोटेशन ऑफ द कटर एंड द डायरेक्शन ऑफ द फीड ये दोनों एक ही तरफ होता है। अप मिलिंग में क्या होता है, अप मिलिंग में जो चिप होता है वो तो पहले थीन होता है लेकिन बाद में जाके ठीक हो जाता है। डाउन मिलिंग में क्या होता है, जो चिप होता है वो तो पहले थीक होता है लेकिन बाद में जाके वो थीन हो जाता है। अप मिलिंग में जो फोर्स कटिंग फोर्स होता है वर्कपीस के ऊपर वो उसके लिए वर्कपीस में एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट होता है। इसके लिए वर्कपीस में ए होल्डिंग डिवाइस और क्लैंप इज मस्ट रिक्वायर्ड। लेकिन डाउन मिलिंग में जो कटिंग फोर्स होता है वो नीचे की तरफ होता है यानी कि डाउनवर्ड में, इसलिए होल्डिंग डिवाइस और ये क्लैंप इज नॉट रिक्वायर्ड। अप मिलिंग यूज़ होता है हार्ड मटेरियल के लिए कि रैप कट के लिए, और डाउन मिलिंग यूज़ होता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए, और कोई फिनिशिंग ऑपरेशन में डाउन मिलिंग यूज़ होता है। यह था अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में बेसिक डिफरेंस। तो थैंक यू।